और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी ने किया है, जिनमें 83 मौजूदा विधायकों में से 63 को टिकट दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि 21 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर ये कि गोरखपुर शहर से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये पहले लिस्ट, सबसे पहले तो आकलन कीजिए, किस तरह से देख रहे हैं इस पहले लिस्ट को? अब बिल्कुल देखिए, इस पहले लिस्ट का अगर आकलन करें तो बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवारों पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है, और सिटिंग उम्मीदवारों की सीट रिपीट हुई है। चाहे मैं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात कर लूँ, गाज़ियाबाद की बात कर लूँ, या फिर साहिबाबाद की बात कर लूँ, उधर मुजफ्फरनगर की बात कर लूँ, या फिर मेरठ की बात कर लूँ, मथुरा की बात कर लूँ, तमाम जगहों से मैक्सिमम सिटिंग उम्मीदवारों की सीट रिपीट हुई है। उन्हीं उम्मीदवारों का नाम कटा है जो या तो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, 70 या 75 पार हो चुके थे, या फिर जिनकी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी नहीं थी, या कुछ ऐसे भी थे जिनका जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में थे, या अलग अलग दफ्तर जाके मिलकर भी आए थे, पार्टी पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए पार्टी को भी उन पर भरोसा नहीं था। ऐसे भी कई विधायक थे जिनका टिकट कटा है, लेकिन ज़्यादातर जो नाम है वो रिपीट हो गए हैं। जैसे अगर नोएडा के विधायक की बात करें, पंकज सिंह, वो रिपीट हो गए हैं। दादरी के विधायक रिपीट हुए, जेवर के विधायक रिपीट हुए, लोनी के विधायक रिपीट हुए, साहिबाबाद के विधायक रिपीट हुए, मेरठ के विधायक रिपीट हुए, हालांकि वो हारे भी है लेकिन फिर भी उनको टिकट मिला मेरठ शहर से। उसके अलावा मथुरा के विधायक रिपीट हुए, उसके अलावा तमाम अलग बुढ़ाना के विधायक मुजफ्फरनगर के उमेश मलिक वो रिपीट हुए, और भी तमाम जो भी हैं, गाजियाबाद के विधायक रिपीट हुए। तो मैक्सिमम विधायक रिपीट हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जो आकलन मीडिया लगा रही थी वो ये कि किसान आंदोलन का असर पड़ेगा, और किसान आंदोलन के असर को कम करने के लिए बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों की टिकट सबसे ज्यादा काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी अपने लोगों के साथ थी, है और बिल्कुल रहेगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी सीटों का स्क्रूटनी करने का, बीजेपी सीटों की। लेकिन अभिषेक, इस बीच दबाव भी तो सबसे ज्यादा था, क्योंकि जो लास्ट हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, जो इस्तीफों की झड़ी बीजेपी से लगी है, वो भी तो एक दबाव था, क्योंकि टिकट कटने वाले जो विधायकों की जो लिस्ट थी वो तो काफी लंबी थी। बिल्कुल लंबी थी, लेकिन बीजेपी लगातार स्क्रूटनी का भी काम कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि बीजेपी में सीधा ऊपर से कोई टिकट आता नहीं है, नीचे से जिले से नाम शुरू होता है, मगर मैं मंडल से बात कर लूँ तो मंडल से जिला, जिला से प्रदेश, और प्रदेश से फिर राष्ट्र लेवल पर जाता है, और हमेशा जो है बीजेपी में दिल्ली से टिकट तय होता है। हालांकि जिलेवार नाम तय होते हैं, सिलसिलेवार नाम नीचे से आते हैं, वो बाकायदे बीजेपी में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जहाँ पर मंडल से नाम मंगाए जाते हैं। सीधा रुक कर रही हूं अयोध्या का, मेरे सहयोगी मकसूद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मकसूद, अयोध्या चर्चित था क्योंकि पहले ये संभावनाएं थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तो सारी संभावनाएं धूमिल हो गई। अब गोरखपुर से उतारा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल, लगातार जैसे ये खबर आई थी, सबसे पहले हमने इस पर बात की थी, तमाम जो संत थे वो बेहद खुश थे, स्वागत कर रहे थे कि आखिर रामलला की नगरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और बाकायदा मिठाइयां भी यहां पर संतों ने बांट दी थी। लेकिन अब अचानक से आज बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई, देखें 107 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, और पहले दो दौर के ये उम्मीदवार हैं, लेकिन अलग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर रुख साफ करना कि वो गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, संत समाज से भी बात करेंगे, जाहिर है कि जो उत्साह उनमें था, जो उत्साह हमने देखा था, जो उत्साह हमने दिखाने की कोशिश की थी कि संत समाज, और न सिर्फ संत समाज बल्कि अयोध्या वासी भी कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहां आने को लेकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार अगर बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई, देखें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा की गई थी, दावा यही किया जा रहा था कि अभी नाम का ऐलान नहीं होगा, बाद में होगा, लेकिन पहली बार कोई लिस्ट आए और उसमें बीजेपी सामने आकर रुख साफ कर दे, क्योंकि अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा इसलिए भी चल रही थी क्योंकि ये अयोध्या वासियों की मांग थी। देखिए पिछले दिनों बिल्कुल मकसूद वापस लौट रही हूं, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पिछड़ों और दलितों पर बीजेपी का यह बड़ा दांव कहा जा सकता है। 68% टिकट पिछड़े दलितों और महिलाओं को दिए गए हैं। आपको बता दें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, तो यानी पहली लिस्ट में टिकट दिए गए हैं उनमें 10 महिलाएं हैं।
सामान्य सीट पर भी एससी उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से पिछड़ों और दलितों पर यहां बीजेपी का इसे बड़ा दांव कहा जा सकता है, क्योंकि 68% टिकट पिछड़े दलितों और महिलाओं को दिए गए हैं। 10 महिलाएं शामिल हैं जिनमें आज पहले चरण के उम्मीदवारों को जो टिकट दिया गया है उसमें 10 महिलाएं पहली लिस्ट में शामिल हैं। तो यहां पर देखिए पिछड़े और दलितों की एक कहा जा सकता है एक बड़ा दांव यहां पर खेलती हुई बीजेपी नजर आई है, और पहला और दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तुषार लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, किस तरह से इसे देखा जाए पिछड़े और दलितों? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जिस मुद्दे पर लाना चाह रहे थे उसी का जवाब आज बीजेपी ने दिया। बिल्कुल, देखिए तमाम आरोप बीजेपी पे लगते रहे कि दलित विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है, अनुसूचित जाति की विरोधी है, जनजाति की विरोधी है। अखिलेश यादव ही यही, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कहकर बाहर आए, पार्टी छोड़ा। दारा सिंह चौहान ने यही कहकर पार्टी छोड़ा। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी ने भी यही कह के पार्टी छोड़ा कि बीजेपी दलित विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है। लेकिन जिस तरह से टिकट का आज डिक्लेरेशन किया गया, जिस तरह से टिकट आज बांटे गए, उसमें बीजेपी ने एक साफ तौर पे मैसेज ये दे दिया है कि भाजपा न दलित विरोधी है न पिछड़ों की विरोधी है। 68% सीटों पर इन लोगों के कैंडिडेट को उतारा गया है जो पिछड़ी जाति के हैं, जो दलित जाति के हैं, सीटों पे उतार कर मैसेज एक साफ तौर पे दिया गया। हालांकि ये पहली लिस्ट है, इसके बाद अभी और चलिए तो पिछड़े और दलितों को 68% टिकट देकर यहाँ बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, और जाहिर तौर पर एक करारा जवाब यहाँ पर उन लोगों के जो पार्टी अभी हाल ही में छोड़कर गए हैं और जो तमाम आरोप यहाँ बीजेपी पर लगा रहे थे कि वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। मैं सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर रही हूँ, शालिनी मेरे साथ जुड़ रही है। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए आज जो लिस्ट सामने आई है उसमें भी हैरान करने वाले कई एलिमेंट है जो कि हमेशा ही हम देखते हैं कि बीजेपी की ओर से रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना। बाकी कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें जगह मिली आज की लिस्ट में आपको बता देते हैं। पहला सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव ये लड़ेंगे, और कहा यह जा रहा है ये सुरक्षित सीट थी उनके लिए, सेफ सीट थी योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए गोरखपुर से उतारा गया है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री सिराथू से चुनाव लड़ते हुए इस बार नजर आएंगे आपको केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, नोएडा से चुनाव लड़ने वाले हैं पंकज सिंह, तो ये भी एक बड़ा चेहरा आज की लिस्ट में दिखाई दिया। श्रीकांत शर्मा मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में मंत्री है श्रीकांत शर्मा, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी, इन्हें छाता से टिकट दिया गया है, और अगला नाम है बेबी रानी मौर्य का। अच्छा, बड़ी बात यह कि इसके पहले क्या कभी आपने सुना था कि कोई पूर्व राज्यपाल कहीं से चुनाव लड़े? तो बेबी रानी मौर्य का नाम इस लिस्ट में आना जरूर चौंकाने वाला है। मृगांका सिंह को कैराना से टिकट दिया गया है। मृगांका सिंह के बाद अगला नाम जो है वो है कपिल देव अग्रवाल का, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते कपिल देव अग्रवाल आपको दिखाई देंगे। इसके बाद जो अगला नाम है वो है सुरेश राणा का, थाना भवन से आप इन्हें टिकट दिया गया है। ये बड़े चेहरे जो आज की लिस्ट में रहे वो हम आपको बता रहे हैं। संदीप सिंह को अतरौली से टिकट मिला है। इसके अलावा अगला नाम है अतुल गर्ग का, गाजियाबाद से चुनाव ये लड़ेंगे, और गाजियाबाद देखिए अतुल गर्ग को टिकट दिया जाना क्योंकि बीजेपी को लग रहा था जीत सकते हैं। कोल से अनिल पाराशर को टिकट मिला है, और अगला नाम इसी कड़ी में सत्यवीर त्यागी का, मेरठ कैंट से टिकट दिया गया है त्यागी जी को। दिनेश खटीक हस्तनापुर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, ये बड़े चेहरे बीजेपी के। इसके अलावा हस्तनापुर के बाद जो अगला नाम है वो है संगीत सोम का, सरधना से। अच्छा, संगीत सोम काफी चर्चित चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, कई विवादों के चलते भी हैं, तो संगीत सोम को सरधना से टिकट दिया गया है। अगला नाम इस कड़ी में है सुनील शर्मा साहिबाबाद से। तो ये जो बड़े चेहरे हैं उनके बारे में आपको हमने जानकारी दी। अच्छा, आप इन सब के बीच जिस तरह से चर्चा हो रही है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, इन सब के बीच मुझे लगता है आज जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जरूर धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि 20 सिर्फ जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट काटा गया, जबकि पहले तो खबरें थी कि बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सत्ता विरोधी लहर है, उसे कम करने के लिए टिकट काटा जाएगा। लेकिन जिस लिहाज से महज 20 लोगों का टिकट कटा है तो राहत की सांस बहुत से मौजूदा विधायकों ने ली होगी, और उन्हें मुझे लगता है जीवन दान स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही दिया है। तो
खुशी उन विधायकों में जरूर होगी, लेकिन ये अपने लिए चुनौती लौटूंगी शालिनी। और बाकी सीटों पर क्या कुछ हाल रहा है और कौन से प्रत्याशी रहे जिनको आज टिकट दिया है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। फिलहाल मैं रोहित का रुख कर रही हूँ गोरखपुर का, क्योंकि गोरखपुर देखिए अब चर्चा में रहेगा टिल एंड ऑफ द इलेक्शन, वो अब चर्चा में रहेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। रोहित, वहां गोरखपुर में इस वक्त क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्योंकि एक गुड न्यूज की तरह इसे गोरखपुर के वासी देख रहे हैं कि गोरखपुर शहर से ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनावी लड़ में उतरेंगे। और आप देखिए इस वक्त हम गोरक्षनाथ में ही मौजूद हैं और यहां से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये प्रोग्राम है कि वो यहां से जाएंगे और वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे कोविड को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में जो दरवाजा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहीं से आप देखेंगे सिक्योरिटी पूरी टाइट है, कॉन्वॉय उनका बिल्कुल तैयार है और यहीं से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां से निकले मेडिकल कॉलेज के लिए। उनका प्रवास था पहले, लेकिन सूत्र ऐसा बताते हैं कि वो निकल सकते हैं अब से कुछ ही क्षणों में। आप देखिए सुबह से यहां पर मौजूद है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और सुबह से जी मीडिया की टीम, जी हिंदुस्तान की टीम भी यहीं पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले आपने सांसद रवि किशन को सुना होगा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान से बात की, जी मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि ये गुड न्यूज है। सबसे पहला रिएक्शन पहली लिस्ट आने के बाद रवि किशन ने सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान को दिया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यहां से लड़ेंगे। और मैंने उनसे सीधा ब्लंटली सवाल पूछा, मैंने कहा कि क्या आपका पूर्वांचल में परिस्थिति थोड़ी डालमडोल थी क्या, इसलिए यहां पर चीफ मिनिस्टर आए? क्योंकि लंबे वक्त तक मंथन तो यही चल रहा था ना कि अयोध्या जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, तो फिर गोरखपुर एट दी एंड पे क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक संगठनात्मक पार्टी है, एक कार्यकर्ता और एक चीफ मिनिस्टर दोनों बिल्कुल बराबर है। यहां पर कैडर बेस्ड पार्टी ये है, जहां से संगठन कहता है वहीं से हर एक चेहरा उतरता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से भारी भीड़ यहां पर है, यहां पर जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और देखिए जैसे यहां पर गहमा गहमी आप देख पा रहे होंगे। कुछ ही क्षणों में यहां से जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां से निकलेंगे, उनका कन्वॉय यहां से निकलेगा और वो जाएंगे मेडिकल कॉलेज, वहां पर कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर वो निरीक्षण करने वाले हैं। और आपको याद होगा कल के दिन क्या किया, कल जब योगी आदित्यनाथ जब कल थे तो वो सीधा एक दलित भारती जी के घर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने भोज किया था, खिचड़ी खाई थी और फिर रात में पूजन अर्चन हवन शुरू किया गया देर रात तक यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, वापस लौटूंगी आपके पास रोहित इन तमाम तस्वीरों को देखने के लिए। और मैं सीधा इस वक्त रुक कर रही हूँ काशी का, मेरी सहयोगी प्रिया मेरे साथ है। प्रिया, योगी आदित्यनाथ अवध की जगह ना जाकर अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और अब यहां पर प्रयागराज के सिराथू से। बिल्कुल, देखिए पूजा, जो सिराथू है वो केशव प्रसाद मौर्य की आप कह सकते हैं परंपरागत सीट है, उनका वर्चस्व अच्छा खासा माना जाता है, फूलपुर से ही केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और वो उन्हीं का इलाका है और वहां पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है, पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे। और हिंदुस्तान के पास देखिए जो लिस्ट थी उसमें भी ये तय था कि सिराथू से ही केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में होंगे और उस पर मुहर भी लग गई। हालांकि यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला अगर कोई नाम रहा वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जब मथुरा से ये कन्फर्मेशन हो गया कि मथुरा से चुनावी मैदान में नहीं होंगे, कयास लगने लगे अयोध्या से। लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी अपने डिसीजंस के लिए जानी जाती है, जिस तरीके से एन मौके पर बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से यानी अपने गढ़ से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। यकीनन जो गोरखपुर की जनता है बेहद उत्साहित है, क्योंकि देखिए गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती और सीएम योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा, ऐसे में वहां से उनका उतरना हालांकि कयासी सिर्फ लगते रहे लेकिन अब उतरना जब तय हो गया तो वहां की जनता भी खुश है। लेकिन अगर तमाम देखिए कैंडिडेट्स की बात करें तो यहां पर जिन सिटिंग एमएलए पे भरोसा जताया है बीजेपी ने उनसे ये साफ हो जाता है कि जिन लोगों ने काम किया उन पर भरोसा हुआ है, लेकिन ये बात तो बहुत पहले है बीजेपी बिना पार्टी की, भाई अगर आप परफॉर्म करेंगे जनता के बीच आपकी पकड़ होगी तो टिकट आपका होगा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनमें से ऐसे कई लोग रहे जो पार्टी को उन्होंने अलविदा कहा और दूसरी पार्टियों का साथ दे रहे हैं। मैं फिलहाल शिवम का रुख कर रही हूँ। शिवम, आज जो पहली लिस्ट आई है किस तरह से उसे आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी और पहले चरण की जो सीटें हैं वो बहुत मायने रखती है, जो आपके आगे के पूरे इलेक्शन का दारोमदार लेकर बैठती हैं।
आप बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं कुछ जानकारियां दे दूं। सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस खबर पर मुहर लगी। सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने संभावित लिस्ट दिखाई थी प्रत्याशियों की, उस खबर पर भी मुहर लगी। सबसे पहले हमने बताया था कि ये बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट रहेगा। हमने सबसे पहले ये भी बताया था कि जिन विधायकों का टिकट कटेगा उन्हें पार्टी आगे जिम्मेदारी देने की बात करेगी, उस पर भी आज मुहर लग गई। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकारों में। अभिषेक जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज जाएगा आम जन तक पूरे और चरणों को लेकर आज के टिकट ऐलान से? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि गोरखपुर से, क्योंकि सांसद थे योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर शहर से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि सिर्फ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में जितने भी विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है सिराथू की, केशव प्रसाद मौर्या की, तो केशव प्रसाद मौर्या वहाँ के पुराने नेता हैं, वहाँ पुराने समय से वहाँ पर काम करते रहे हैं, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, वहाँ से फूलपुर से सांसद रहे हैं, और उनके जो बेटे हैं योगेश मौर्या, वो सिराथू में केशव प्रसाद मौर्या के बिहाव पर इन दिनों आपने लगातार तस्वीरें देखी होंगी कि वो जाकर वहाँ पर प्रचार प्रसार करते रहे हैं। अब बात करें अगर थोड़ा सा कि समाजवादी पार्टी और बसपा की और बीजेपी की, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बसपा और समाजवादी पार्टी किसको उतारती है, ये सब देखने वाली बात होगी शिवम। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ वहाँ पर किसको मैदान में उतारा जाता है, क्या